रांची के सदर अस्पताल के साथ विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों से हटाए गए 155 सुरक्षा कर्मी स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आवास पहुंचे, जहां अपनी नियुक्ति की मांग के साथ पुनः बहाली की गुहार लगाई। इस दौरान इंटक महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष निशा भगत ने सुरक्षा कर्मियों का समर्थन करते हुए इनकी मांगों को जायज बताया। कहा, लंबे समय से ये 155 सुरक्षा कर्मी अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, जिन्हें आश्वासन भी दिया गया था, पर अब तक अपने दिए गए आश्वासन पर सरकार या पदाधिकारी खरे नहीं उतरे, जो दुर्भाग्य की बात है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि मैं सरकार में रहूं या ना रहूं, इनके जायज मांगों के साथ मेरा समर्थन जरूर रहेगा। मैंने से मैं मांग कर रही हूं उनसे, और ये आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं। पिछले बार जो सचिव थे उनके ऊपर टेकरा इन्होंने फोड़ा कि वो सचिव नहीं कर रहे हैं। अब सचिव जब चेंज कर चुके हैं, जब चेंज हो चुके हैं, तो हमारे सामने ही सचिव साहब से बात किए, इनके हाथ में है 155 परिवार को पुनः वापस सुरक्षा कर्मी के रूप में रखना, लेकिन ये कर नहीं रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। इनका कहना है कि आप कांग्रेस की नेत्री हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, एक आला कमान अधिकारी है आप, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपने कहा था कि पूरी जनता को आश्वासन दिया था कि हम रोजगार जनरेट करेंगे, हम आपने कहा था कि आप लोगों को किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। जब वोट दिया हमने, जब पूरी जनता ने वोट दिया है, जब ये कार्यरत थे, इनसे दो गुना सैलरी वालों को आप रख सकते हैं, लेकिन इन गरीबों को 6-7 हज़ार रुपये वालों को रख नहीं सकते। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। मैं सरकार में रहूं चाहे सरकार से बाहर रहूं, मैं इन लोगों के लिए आवाज़ उठाऊंगी कि एक समाज सेविका का मतलब यही होता है कि समाज में जितने भी लोग हैं, जो भी शोषित हो रहे हैं, उनके लिए आवाज़ उठाने की बात होती है। कर्जा में डूबल है किसान, जानत रहे हर इंसान, बंद रहे हर जवान, चुप रहे हर इंसान। कृषि मंत्री राह दिखा ले, 50,000 कर कर्जा, 1 रुपया में माफ करा ली।